Hi everyone, welcome back to the channel Focus on Learning. In today's video, we are going to discuss exercise based on synonym. आज हम exercise करने वाले हैं synonym की. इसमें क्या होगा, आपके पास एक word होगा, उससे related आपको चार option मिलेंगे. ठीक है, हमें उस word का उन चार option में से synonym find out करना है. इस तरह से आप एक question से पांच word को learn कर सकेंगे, जिससे आपकी vocabulary strong होगी. तो चलिए देखते हैं हमारा first word. फर्स्ट वर्ड इज परसिमोनियस. परसिमोनियस का मतलब क्या होता है, अगर आपको इसका मीनिंग पता है और इन चार ऑप्शन का भी मीनिंग पता है तो आप इजिली इसका सिनोनिम फाइंड आउट कर सकेंगे. तो चलिए देखते हैं परसिमोनियस का मीनिंग क्या होता है. परसिमोनियस का मीनिंग होता है किफायती. ठीक है, अब हमें इन चारों ऑप्शन के मीनिंग को चेक करना है. देखिए, कनिंग का मतलब हो जाएगा चालाक, अपराइट हो जाएगा ईमानदार, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है फिजूल खर्च, लास्ट ऑप्शन बचा हमारा थ्रिफ्टी, इसका भी मतलब होता है किफायती. तो हमारा सिनोनिम क्या हुआ, ए. परसिमोनियस किफायती और थ्रिफ्टी का मतलब भी क्या होगा, किफायती होगा. कनिंग चालाक, अपराइट ईमानदार, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा फिजूल खर्च. तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन से पांच वर्ड के मीनिंग को अच्छे से लर्न कर सकते हैं. चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वर्ड इज कनंड्रम. देखिए, कनंड्रम का मतलब क्या होता है, अगर हमें इसका मतलब पता है तो हम इसका सिनोनिम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. कनंड्रम का मतलब होता है पहेली. ठीक है, अब हमें इन चारों ऑप्शन के हिंदी मीनिंग देखने हैं. इम्प्यूडेंस क्या होता है, इम्प्यूडेंस होता है साहस, हिम्मत दिखाना. डैम्पनेस, नमी या फिर गीलापन. सर्विलिटी, चापलूसी करना. रिडल, रिडल का मतलब भी होता है पहेलियां बुझाना. ठीक है, तो ए इसका सिनोनिम हो जाएगा रिडल. कनंड्रम का मतलब होता है पहेली, तो रिडल इसका सिनोनिम हो जाएगा जिसका मतलब है पहेली. डैम्पनेस होता है नमी या फिर गीलापन. सर्विलिटी होता है किसी की चापलूसी करना. इम्प्यूडेंस होता है साहस. ठीक है, आई होप वर्ड क्लियर है. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोजियाक. प्रोजियाक का मतलब क्या होता है, प्रोजियाक का मतलब होता है निरस, फीका या फिर बेस्वाद. जिसमें कोई भी स्वाद ना हो उसको हम बोलेंगे प्रोजियाक. अब हम इसका सिनोनिम फाइंड आउट करने के लिए इनके मीनिंग को देखेंगे. अनइंस्पायरिंग, अनइंस्पायरिंग होता है निरस, बेस्वाद या फिर फीका. पोएटिक हो जाएगा तेजस्वी. इमेजिनेटिव हो जाएगा कल्पनाशील. एक्जॉटिक हो जाएगा अनोखा, अजीब या फिर विदेशी. तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज अनइंस्पायरिंग. प्रोजियाक का मतलब होता है नीरस, बेस्वाद, फीका और जो प्रेरणाशील नहीं होता. अनइंस्पायरिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा नीरस या फिर फीका. पोएटिक का मतलब होता है तेजस्वी. इमेजिनेटिव हो जाएगा कल्पना करना, कल्पनाशील. एक्जॉटिक हो जाएगा अनोखा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट वर्ड इज सरमाउंट. सरमाउंट का मतलब क्या होता है, सरमाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज पर काबू पा लेना, किसी को हरा देना यानी जीतना या फिर आगे बढ़ना. ठीक है, आप इसको हराना भी बोल सकते हैं, आगे बढ़ना. ठीक है, फिर किसी भी चीज पर काबू पा लेना. अब हमें इन सब के मीनिंग देखने. देखिए, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट. कैप्चर होता है पकड़ लेना या फिर कब्जा कर लेना. ठीक है, सराउंड हो जाएगा चारों ओर से घेरना. ओवरकम होता है किसी पर काबू पाना, जीतना या फिर हराना. तो ओवरकम हो जाएगा
इसका सिनोनिम। ठीक है, सरमाउंट होता है जीतना, हराना या फिर किसी भी चीज पर काबू कर लेना। ओवरकम भी होता है काबू करना, जीतना, हराना। ठीक है, सराउंड हो जाएगा चारों ओर से घेरना। डिस्काउंट होता है छूट, कैप्चर होता है पकड़ लेना या फिर कब्जा कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेन रेंज, अटेन रेंज का मतलब होता है भ्रमण करना यानी घूमना, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहना, ट्रैवल करना। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके चार ऑप्शन। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इट, इसका लगातार प्रयोग होते रहना या फिर उपयोग होते रहना। एनीथिंग इन्वॉल्विंग रिपीटेशन, कोई भी चीज जब रिपीटेशन में इन्वॉल्व होती है उसका मतलब होता है एनीथिंग इन्वॉल्विंग रिपीटेशन, यानी कि किसी भी चीज का रिपीटेशन में इन्वॉल्व होना। प्लान फॉर प्रपोज्ड जर्नी, यानी यात्रा के लिए पहले से ही कोई प्लान बनाना। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पर घूमना, जो कि क्या है इसका सिनोनिम है, यानी कि भ्रमण करना, घूमना, उसी को बोलते हैं हम अटेनमेंट। ठीक है, तो मैंने इनके हिंदी मीनिंग बता दिया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस होता है ठाट बाट से रहना या फिर दिखावा करना, आप बोल सकते हैं। अब हमें इसका सिनोनिम देखना है, तो सिनोनिम के लिए हमें इन चारों वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए प्रिटेंस क्या होता है? प्रिटेंस होता है ढोंग करना। ठीक है, प्लेंटी होता है बहुत अधिक। अबंडेंस भी होता है बहुत अधिक। ठीक है, अबोडेंस और प्लेंटी एक दूसरे के सिनोनिम है। पॉम्प होता है ठाट बाट से रहना, पूरी शान से रहना या फिर दिखावा करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉम्प और ऑस्टेंटेशियस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है खलबली मचाना या फिर आप बोल सकते हैं आंदोलन करना। शोर हो जाएगा ऊंची उड़ान भरना। चेंज हो जाएगा बदलना या फिर बदलाव। फ्लोट हो जाएगा तैरना। एजिटेट होता है आंदोलन करना या फिर खलबली मचाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सिनोनिम होगा। फ्लटर होता है खलबली मचाना, आंदोलन करना या फिर हलचल करना। उसका सिनोनिम हो जाएगा एजिटेट। देखिए सोर होता है ऊंची उड़ान भरना, चेंज होता है बदलाव और फ्लोट होता है तैरना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग करना या फिर किसी चीज का बहिष्कार करना, किसी को हटा देना। ठीक है, या फिर किसी भी चीज का बहिष्कार करना। देखिए जेलस होता है घृणा। एंग्री हो जाएगा गुस्सा। सस्पिशियस हो जाएगा संदेहजनक। सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब होता है अलग करना, इंडिविजुअल, वन, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। एस्ट्रेंज्ड होता है अलग करना, हटाना या फिर बहिष्कार करना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा सेपरेटेड। आप इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन में सेपरेटेड नहीं है, वन है, तो वन भी हमारा सही होगा। जेलस हो जाएगा घृणा, एंग्री होता है गुस्सा और सस्पिशियस होता है संदेहजनक।
सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस को भेजते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।